अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक दो रंग की स्वेटर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसे आप बच्चों के लेडीज़ के और प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। सभी प्रोजेक्ट पे डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगी। इस तरीके से डिज़ाइन की ये लुक आती है। डिज़ाइन की रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें मैंने दो कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसके वीडियो और देखते हैं कैसे बनाएंगे इस डिज़ाइन को हम। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन की जो पहली सिलाई है वो सीधी तरफ से स्टार्ट होती है। अगर बॉर्डर के बाद आपको फंदे बढ़ाने हैं तो आप उल्टी तरफ से बढ़ा सकते हैं। सीधी तरफ से आपकी डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगी। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें इवन नंबर पे फंदे लेने हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो यहाँ से स्टार्ट की है मैंने, वही मैं आपको यहाँ से बताऊंगी। इसी को आपको बॉर्डर के बाद रिपीट करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो भी प्रोजेक्ट आप बना रही है उस हिसाब से आपको फंदे डालने हैं और बॉर्डर बुनना है। और बॉर्डर के बाद आपको कलर चेंज करके पहली सिलाई इस तरीके से बनानी है, जैसे मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। कलर चेंज कर दीजिए और पहला फंदा आप सीधा बना लीजिए। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा ध्यान से, ये जो हम एक फंदा बनाएंगे ना, इसको हम यहाँ से बनाएंगे। देखिए, यहाँ से गैप में से ऐसे सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा लूप इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद इसी फंदे में बैक साइड से सिलाई डालकर ऐसे एक फंदा निकालेंगे। तो एक फंदे में हम दो दो फंदा बनाते हुए जाएंगे। देखिए, इन्हीं फंदों को आपको रिपीट करना है। ऐसे डाला सिलाई, गैप में, किसी फंदे में नहीं डालनी है, गैप में डालनी है आपको। और उसके बाद ऐसे फंदे को निकाल लेने हैं, फंदे को गिराएंगे नहीं, ऐसे इसी फंदे में से ऐसे बैक से सिलाई डालकर इसको बुनेंगे। ऐसे निकाला, फिर एक फंदे में से ऐसे बनाया, यहाँ से सिलाई को डाला, ऐसे एक फंदा एक्स्ट्रा निकालेंगे, फिर इस फंदे को बैक से ऐसे बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। हमारे राइट साइड से पहली सिलाई है डिज़ाइन की। ऐसे मैं कर लेती हूँ पूरी सिलाई लास्ट तक कंप्लीट। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमने ये लास्ट तक कंप्लीट कर ली है। और यहाँ से एक फंदा हमने निकाल ली है और ये इस फंदे को ऐसे बुनेंगे। लास्ट वाला फंदा एक्सट्री से हम सीधा बुन देंगे। इस तरीके से हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई जो कि सीधी तरफ से कंप्लीट हो गई है इस तरीके। अब आ जाइए डिज़ाइन की सेकेंड रो जो कि उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से देखिए, पहले फंदे को इस तरीके से उल्टा बुनेंगे। फिर देखो, हमने यहाँ पर बनाई है दो दो फंदे एक साथ, आपको इस तरीके से दिखेंगे। देखिए ऐसे, अब इसको क्या करना है, देखिए उनको इस तरीके से सिलाई में ऐसे लपेटनी है। फिर दो फंदों को इस तरीके से एक साथ लेकर दो का एक कर देनी है ऐसे। देखिए, सिलाई में ऐसे उनको लपेटेंगे और दो फंदों को इस तरीके से दो का एक करेंगे। फिर से उनको इस तरीके से सिलाई में लपेटेंगे और दो फंदों को ऐसे दो का एक करेंगे। उनको सिलाई में ऐसे लपेटेंगे और फिर दो फंदों को इस तरीके से दो का एक करेंगे। फिर देखिए, ऐसे किया और दो का एक कर दिया। तो ऐसे ही हम सेकेंड रो लास्ट तक बनाते हुए जाएंगे। इस तरीके से लेंगे लपेट के और दो फंदों को एक साथ लेकर ऐसे घटा देंगे। ऐसे लिया और घटा दिया, ऐसे लपेटा और फिर ऐसे किया। तो इस तरीके से हम अपने सेकेंड रो लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमने लास्ट तक कंप्लीट कर ली है। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से उनको लपेटेंगे और फिर दो का एक कर देंगे। लास्ट वाला फंदा जो है एक्सट्रीसी से उल्टा बना देंगे इस तरीके से। तो अब आ जाइए डिज़ाइन की थर्ड रो जो कि सीधी तरफ से। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे दो सिलाई के बाद। हम इसमें ये जो दो सिलाई हमने बनाई है दूसरे कलर से, ये दो सिलाई ही बनेगी, बाकी प्लेन बनेगी इस वाले कलर से, बेस कलर जो मैंने रखा है इसे। तो इससे देखिए, यहाँ पर हम दूसरा कलर लेंगे इस तरीके से और पहला फंदा सीधा बुनेंगे। और आगे देखिए, यहाँ पर ये जो फंदा है इसको हमें इस तरीके से बिना बुने उतारने हैं। देखिए, ऐसा जाली की तरह दिखेगी और एक आपको सीधा फंदा दिखेगी। तो जो सीधा फंदा है इसको हमें बिना बुने इस तरीके से उतारने हैं, और जो जाली वाला फंदा है जिसको हमने ऊन को लपेटा है वो वाला फंदा, उसे हम इस कलर से सीधा बुनेंगे। तो अब देखिए, ये जो हमने बिना बुने उतारा है इस फंदे को, हम जाली वाले फंदे के ऊपर से जो फंदा हमने सीधा बनाया उसके ऊपर से इस तरीके से गिरा देंगे ऐसे उठाकर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बार बार रिपीट करते हुए, सीधा वाला फंदा है उसको ऐसे उतार लेने हैं बिना बुने, और जो जाली वाला है इसे आपको सीधा बुननी है। और उसके बाद सीधे फंदे के ऊपर से इस तरीके से इस फंदे को निकाल देंगे, फिर इसे उतारेंगे, इसको बुनेंगे, और जो उतारा हुआ फंदा है इसको हम इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। इसे उतारेंगे, इसको बुनेंगे, और जो उतारा हुआ फंदा है इसको ऐसे निकाल देंगे। इसे उतारा, इसे बनाया, इसके ऊपर से इसको गिरा देंगे। इसे उतारा, इसे बनाया और ऐसे इसको निकाल देंगे। इसे उतारा, इसे बनाया, इसको निकाल देंगे। तो ऐसे ही हम इसको रिपीट करते हुए जाएंगे लास्ट तक। एक फंदे को उतारेंगे, एक फंदे को बनाएंगे, फिर उतारा हुआ फंदा इस तरीके से निकाल देंगे, इसके ऊपर से ऐसे पास ओवर कर देंगे। ऐसे लिया,
तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही पूरी सिलाई हम लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लास्ट तक बना ली है और ये वाला फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे, इसके ऊपर से इस तरीके से इसको गिरा देंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा, ठीक है। तो अब आ जाइए डिज़ाइन की हमारी फोर्थ रो जो कि रॉन्ग साइड से, इस सिलाई को हमें पूरा उल्टा बनानी है इसी कलर के साथ। तो पहला फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे, आप चाहे तो इसको सीधा या उतार भी सकते हैं जैसे आपको पसंद है, और बाकी फंदों को इस तरीके से चौथी सिलाई में हम उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे लास्ट तक। तो देखिए ये फोर्थ रो हमारी लास्ट तक की कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। और अब आ जाइए फिफ्थ रो जो कि सीधी तरफ से, अब इसी कलर के साथ जो भी बेस कलर है आपकी, इसी कलर के साथ आपको सीधा उल्टा बनानी है। यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन को 6 सिलाई में कंप्लीट की है, आप चाहे तो 8 सिलाई में कर सकते हैं इसकी गैपिंग ज़्यादा देने के लिए। तो अब देखिए, या फिर अगर आपको गना बनाना है तो यहाँ से जैसे मैंने 4 सिलाई बनाई है, आप फिफ्थ रो में आप दूसरा कलर जो भी है इसको लगा कर इसको थोड़ा सा गना बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप रख सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो अब देखिए फिफ्थ रो हमारी राइट साइड से सीधी तरफ से पहला फंदा हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे और बाकी फंदों को भी हमें सीधा ही बुनना है प्लेन इस तरीके से। फिफ्थ रो हम ऐसे कंप्लीट करेंगे सीधा सीधा बुनते हुए। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब छठी सिलाई, सिक्स रो, रो सिक्स हमारी जो कि रॉन्ग साइड से, इस सिलाई को भी हम पूरा उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। तो ये मैं जो है प्लेन थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ ताकि डिज़ाइन थोड़ा उभर के आए, और अगर आपको गैपिंग कम रखनी है तो जैसे मैंने पहले आपको बताई है वैसे भी आप इसमें कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती है। तो अब देखिए इस सिलाई को भी हमने ये उल्टा बना देनी है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, छठी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इन्हें 6 सिलाई को आपको बार बार रिपीट करते हुए जानी है, तो आपकी जो सुंदर सी डिज़ाइन है वो बनकर आ जाएगी। तो इसके लिए देखिए फिर से अगर आपको कलर चेंज करनी है तो यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी ऐसे आपको रिपीट करनी है। तो यहाँ पर 6 सिलाई के बाद आप फिर से इस तरीके से कलर चेंज कर लीजिए, और जैसे मैंने पहली सिलाई आपको यहाँ से बताई है वैसे ही आप इसको रिपीट करें इस तरीके से। यहाँ से सिलाई डाला, इसको निकाला, और इस तरीके से एक फंदे में दो दो फंदे बनाते हुए जाएंगे। फिर रॉन्ग साइड से जैसे मैंने आपको बताई है वैसे ही आपको कर लेनी है। मैंने थोड़ा सा आपको दिखाई है ताकि आपको रिपीट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम इन 6 सिलाई को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे तो हमारी जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगी। फ्रेंड्स, आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इस वीडियो को। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके रख दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।